नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे, कौन कौन सी खबरें हैं और उन खबरों का क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डीएस पई साहब, सीनियर साइंटिस्ट मौसम विभाग के आईएमडी के, मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट के और जतिन त्रिवेदी है एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और आज हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं मानसून की खबर के साथ। जतिन जी, आप बताएं कि आप क्या सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देख रहे हैं और किस एग्री कमोडिटी में आपको इस वक्त ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। गुड मॉर्निंग मित्रों जी, जिस तरह से मार्केट भी शेप्ड अप है, हम एक्चुअली एमसीएक्स के ही एग्री कमोडिटीज पे फोकस रखते हैं। एनसीएक्स के एग्री कमोडिटीज पे हमारा फोकस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सीपीओ जो है वो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। एमसीएक्स में जो एग्री कमोडिटीज है उसके अंदर सीपीओ एक बार के लिए 1150 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो डेफिनेटली उसके अंदर एक बाय पोजिशन बना के चल सकते हैं। उसका जो सपोर्ट है वो अच्छा खासा लेते हुए दिख रहा है पिछले 10-15 दिनों से। 1120, 1130 ये जो एक सपोर्ट जो स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ दिख रहा है सीपीओ जो है वो, और हायर लेवल्स पे 1160 के ऊपर जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा तो 1200 तक का कोई हर्डल नहीं है स्ट्रांग। सीपीओ के अंदर हमारी रिकमेंडेशन रहेगी स्टॉप लॉस जो है वो 1120 के नीचे रखना है और 1150 के ऊपर उसकी बाय पोजीशन बना के चलनी है। राइट, चलिए अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आज गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड में आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके बन रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। आप बताएं जतिन जी कि क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है और कच्चे तेल में इस वक्त अगर आप देखें तो क्रूड का मार्केट बहुत ही रेंज में था लेकिन अब वहां से ऊपर आया है, 52 रुपए ऊपर है एमसीएक्स पर कच्चा तेल, 5086 का स्तर है। एग्जैक्टली इस रेट पर कोई ट्रेड है आपके पास क्रूड में आज के लिए, इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए डेफिनेटली यस, एक स्मॉल ब्रेकआउट जो है डेफिनेटली देखने मिल रहा है करंट मार्केट प्राइस पे। जब तक ये प्राइसेस जो है 5050 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं तब तक ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि बाय करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से भी, लेकिन स्ट्रिक्टली 5050 के नीचे स्टॉप लॉस भी प्लेस करना है बिकॉज प्राइसेस के अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। जिस तरह से थर्सडे के दिन हम क्रूड ऑयल के डेटा देखेंगे तो आगे चलते हुए थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। सो इंट्राडे स्पेसिफिक ही सिर्फ 5050 के स्टॉप लॉस के साथ बाय की रिकमेंडेशन मैं दूंगा। 5150, 5140 के आसपास का टारगेट भी रखना है उसके अंदर। एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये मोमेंटम है, हालांकि प्राइसेस जो है वो 5160 से लेके 4900 ये जो 250 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करने देखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ओके, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।